हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एस सी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग इस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की कुछ बात करेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का, उसके डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, उसके मिसलेनियस को बना चुके हैं, एक्सरसाइज को भी बना चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में हमको कुछ दिया गया है किस किस चैप्टर में, तो उसी में आपके बुक के लास्ट में एनसीईआरटी बुक के लास्ट में मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल्स में आंसर के बाद दिया गया है, तो उसी में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की कुछ बात है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। और हम लोग इसमें भी फार्मूला को प्रूफ नहीं करके डायरेक्ट उसका यूज देखेंगे, फार्मूला को समझ लेंगे और उसके बाद एक आध क्वेश्चन आज बना देंगे और फिर अगले वीडियो में उसके बाकी क्वेश्चन बना देंगे, तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात क्यों ज़रूरी है समझनी, तो अभी तक हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो निकाले, चाहे जो भी कैलकुलेशन किए, फार्मूला किए, वर्ड प्रॉब्लम बनाए, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी बनाए, उस सारे क्वेश्चन में टेंथ में भी बनाए हैं, इलेवेंथ में भी बनाए हैं, तो उसमें हम लोग हर जगह राइट ट्रायंगल से रिलेटेड होते थे। साइन कोस टेन का जो भी फार्मूला पीबीएच के टर्म में लेते थे वो राइट ट्रायंगल के लिए था, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये फार्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी एंगल हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। वो चाहे आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें एक जनरल आइडिया हमको क्या रखना है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल अगर ए बी सी लिया जाए, ये सी आपका कैपिटल है और यहाँ भी बी आपका कैपिटल है, तो अगर हम लोग ट्रायंगल को लेते हैं कि ए बी सी लेते हैं, तो ये हमारा एंगल हुआ ए, एंगल बी और एंगल सी। ए एंगल के अपोजिट साइड को इसके सामने जो है उसको हम स्मॉल ए से लिखेंगे, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से लिखेंगे, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से लिखेंगे। तो पहले ये सिंबल याद रखना होगा, ए मीन्स कैपिटल ए लिखा जाए तो ए एंगल बताएगा, स्मॉल ए लिखा जाए तो एंगल ए के अपोजिट वाला साइड बताएगा। वैसे ही कैपिटल बी लिखें तो बी हमारा एंगल बताएगा, स्मॉल बी लिखें तो इस बी के अपोजिट वाला साइड, सी अगर कैपिटल लिखें तो एंगल सी, स्मॉल लिखें तो उसके अपोजिट वाला साइड बताएगा, ये बात होगी। अब इन सिंबल को यूज करेंगे पूरे इसमें, जहाँ भी आपको स्मॉल कैपिटल लिखना है एकदम ध्यान देकर के लिखिएगा कि वहाँ पर आप एंगल लिख रहे हैं कि साइड लिख रहे हैं, बड़ा छोटा में अगर आप गलत लिख लिए तो पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। तो इसमें साइन कॉस और टेन से रिलेटेड तीन तरह के फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है जिसको हम लोग साइन फार्मूला बोलते हैं, तो साइन फार्मूला में होता कहता है कि साइन ए बटा ए इक्वल्स टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन सी बाई सी, या इसी रेशियो को उलट देते हैं तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। जहाँ पर केवल ए बी सी आ रहा है वहाँ स्मॉल है यानी वो साइड है, और जहाँ कैपिटल आ रहा है वो एंगल है। तो अब ये साइन फार्मूला कहता है कि तीनों एंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल के लिए उसके साइन और उसके अपोजिट साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। अब हमको कहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इतना इक्वल टू हम लैम्डा या कोई कांस्टेंट के मान सकते हैं, कब, जब हमको एंगल को साइड के रूप में साइन वगैरह दिया हो, साइन ए साइन बी साइन सी दिया हो, वहाँ पर हमको साइड में कन्वर्ट करना है, तो साइड में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू यहाँ पर के मान लीजिए, तो साइन ए का वैल्यू के ए हो जाएगा, चाहे ए के, साइन बी का वैल्यू बी के और साइन सी का वैल्यू सी के हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ए बी सी दिया हुआ उसको हमको ज़रूरत पड़ रही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने के लिए, तो हम लोग यहाँ के मान सकते हैं, तो स्मॉल ए इक्वल्स टू के इंटू साइन ए हो जाएगा, स्मॉल बी इक्वल्स टू के इंटू साइन बी हो जाएगा, स्मॉल सी इक्वल्स टू के इंटू साइन सी हो जाएगा। तो जहाँ जो प्रूफ करना होगा उसके प्रॉब्लम के अनुसार हम उसको मान सकते हैं, दोनों में से जो फार्मूला यूज होगा सूटेबल कर लेंगे। इसके बाद बात आती है कोसाइन फार्मूला की, या उसको हम लोग कॉस फार्मूला भी कहते हैं। तो कॉस फार्मूला में एक ट्रिक याद रखेगा, आपको हेल्प करेगा, जैसे ए बी सी तीन साइड की बात होगी, साइक्लिक ऑर्डर में आपको याद रखना है, ए बी सी, ए से शुरू करें तो ए बी सी, बी से शुरू करें तो बी सी ए, सी से शुरू करें तो सी ए बी। तो यहाँ नियम क्या कहता है कि एक साइड का स्क्वायर,
जो होता है सीक्वेंस में आने वाले दो साइड के स्क्वायर के सम माइनस जो हम साइड लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉस इंटू टू और जो रिमेनिंग दो साइड लिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। यानी ए स्क्वायर अगर लेते हैं तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों प्लस होगा और माइनस में टू बी सी इन्हीं का और इंटू में कॉस लिखेंगे तो कॉस किसका आ तो पहले वाले का ए लिखेंगे। वैसे ही बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी सी ए तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए इन्हीं का प्रोडक्ट और कॉस के साथ एंगल इसका होगा बी। फिर सी के लिए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू कॉस सी। चाहे इसी को अगर हम डिराइव कर देते हैं अलजेब्रिकली सीधा कर लेते हैं तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि ऊपर में स्क्वायर रहेगा नीचे में टू इंटू ए बी के फॉर्म में रहेगा। तो ऊपर में जैसे यहाँ ए लिख रहे हैं तो ए के बाद आएगा बी सी एंगल लिए ए तो कॉस ए तो इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ इसका करस्पॉन्डिंग साइड माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर और बाई में इन्हीं जो प्लस करना है उनका टू ए बी के फॉर्म में यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर रहे हैं तो टू बी सी हो जाएगा। सी स्क्वायर इसमें कॉस बी के लिए करेंगे तो बी के बाद सी आता है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और बाई में टू सी ए हो गया। फिर कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि हमको ए बी सी मालूम हो तो आराम से हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू निकाल देंगे तो बाकी टी रेशियो निकालना आसान हो जाता है। फिर इसके बाद एक नेपियर्स फार्मूला होता है जिसको हम लोग टेंजेंट फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये कहता है कि टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू अब जो साइड यहाँ माइनस किए हैं उन्हीं का ऊपर माइनस नीचे प्लस करना है यानी स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी बाई स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉट यहाँ पर टेन होगा और यहाँ कॉट होगा। यहाँ जो दो गो एंगल यूज किए हैं जो तीसरा बचा हुआ है उसको यहाँ लिखना है तो बी सी यूज किए हैं तो ए लिखना है ने कॉट ए बाई टू। इसी तरीके से टेन सी माइनस ए बाई टू करेंगे तो सी माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट बी बाई टू और टेन ए माइनस बी करेंगे बाई टू तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी इन टू कॉट सी बाई टू। तो इतने फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है और इसके साथ और जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको भी याद रखना है। अब इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट सेकेंड ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। पहले वाले में कॉस को निकालना है दूसरे वाले में साइन को निकालना है। तो साइन को निकालने के लिए सबसे पहले आप कॉस निकाल लेंगे और कॉस जब निकल जाएगा तो इसके बाद रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब करेंगे तो साइन का वैल्यू भी निकल जाएगा आसानी से। तो उस तरीके से हम कॉस में यहाँ पहला बना दिए हैं साइन में निकालना है दूसरा इसी तरह से निकालिएगा। उसमें साइन जहाँ निकालना होगा तो कॉस का जो वैल्यू निकाले हैं तो वन माइनस रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो साइन निकल जाएगा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर बी तो साइन भी निकल जाएगा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर सी निकालेंगे तो साइन सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी दे दिया गया है। अब कॉस ए है तो कॉस ए है तो कॉस ए का ये फॉर्मूला यूज कीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए तो 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बाई 2 इंटू बी सी यानी 24 इंटू 30 ये हो गया हमारा 576 ये 900 ये माइनस 324 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए तो 48 इंटू 30। अब इसको जब हम यहाँ पर दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1152 और बाई में ये 48 इंटू 30 हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो यहाँ 6 से कटा दिए हम तो जैसे 8 आया और 6 से ये 192 आ गया। फिर 8 से इसको कटा दिए तो यहाँ पर हो गया 24 और फिर 24 और 35 जब आया तो इसको 6 से कटा दिए तो 65 जा 30 और 64 जा 24 तो 4/5 आ गया। उसी तरीके से कॉस बी निकालना है तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 2ca निकाल लेंगे वैल्यू पुट करेंगे यही जो आया है उसी टाइप का है प्लस माइनस में केवल अंतर हो रहा है कटा यहाँ आएगा 648/1080 कटा लेंगे इसको
तो अब यहाँ पर देखिए कटा रहे हैं, 8 से कटा रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 81, ये हो गया 135, फिर इसको कटा दिए हम 9 से तो ये 15 हो गया, ये 9 से कट गया 9 हो गया, फिर 3 से कट गया तो 35 जा 15 और 39 जा 33 जा 9, तो 3/5 आया। उसी तरीके से cos c का निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो एंगल होगा तो cos के लिए माइनस में उसी का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, तो यहाँ cos c है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो अब इसका भी वैल्यू पुट कीजिए, सब में यही वैल्यू लेना है, जो वैल्यू है उसको पुट कीजिए, तो ये 900 माइनस 900 बाई इतना आ रहा है, माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो बाई समथिंग करते हैं नॉन जीरो तो आपका जीरो आता है, तो ओवरऑल जीरो हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस कॉस ए इक्वल्स टू 4/5, कॉस बी इक्वल्स टू 3/5 और कॉस सी इक्वल्स टू जीरो। और इसी तरह से जब आप इसका सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे तो ये इतना काम तो सब में करेंगे। अब जब कॉस निकाल लिए तो इसके बाद साइन ए इक्वल्स टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो रूट अंडर वन माइनस 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वहाँ पर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 3/5। इसी तरीके से इसका 3/5 आया है, वहाँ आप करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका ये 4/5, और जहाँ पर जीरो आया है वहाँ पर आप निकालेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा उसका 1। आप निकाल करके चेक कर लेंगे, बना लेंगे इसको, और फॉर्मूला इतना याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इसके बाद आसानी से इसके क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके एक दो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि कह रहा है कि फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए प्लस बी बाई सी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो हम लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हैं कि केवल साइड है, ए बी सी तीनों साइड दिए गए हैं, और राइट साइड में हमको देख रहे हैं कि केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी एंगल के टर्म में दिया गया है ए बी सी। तो हम लेफ्ट साइड से जब चलेंगे तो हमको काम क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी जो है इसको किसी न किसी टी रेशियो में बदलना पड़ेगा। तो अब हम तीनों फॉर्मूला में सोचेंगे कि साइन को स्टैंड में से ए बी सी को डायरेक्ट बदलने का कौन सा फॉर्मूला है। तो पहला फार्मूला जो साइन फार्मूला है वो आराम से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मिल जाता है, तो इसलिए हम पहले पुट करते हैं कि पुट ए बाई, अब चूंकि यहाँ साइन को नहीं रखना है, यहाँ हमको साइड दिया हुआ है और साइड को रिप्लेस करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, तो हम लोग ऊपर में साइड को रखेंगे, यानी पुट ए बाई साइन ए इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इक्वल्स टू सी बाई साइन सी इक्वल्स टू के हमने मान लिया, यहाँ पर मान लिए ये टर्म हमारा साइन फॉर्मूला से आया, आई सबका इक्वल रेशियो है तो उससे इक्वल कॉन्स्टेंट रेशियो को के मान लिए। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू साइन ए, बी का हो जाएगा के इंटू साइन बी, और सी का हो जाएगा के इंटू साइन सी। अब हम LHS में आते हैं तो LHS में दिया हुआ है कि ए प्लस बी बाई सी, लखिए वैल्यू इसका के इंटू साइन ए प्लस के इंटू साइन बी बाई के इंटू साइन सी। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर के हर एक टर्म में और नीचे के हर एक टर्म में आपको के कॉमन मिल जाता है, तो ऊपर के कॉमन निकाल लेंगे और नीचे का के ऊपर का के कैंसिल हो गया, तो बचा आपका क्या कि साइन ए प्लस साइन बी और बाई में साइन सी हो गया। अब ये हो गया हमारा साइन ए प्लस साइन बी चाहे साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है कि 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पुट कर दिए, और इसका साइन सी होता है तो जैसे साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, तो वैसे ही साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा, थीटा के जगह पर सी है तो हम लिख सकते हैं कि 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। अब ये 2 कैंसिल कर दीजिए, ये और ये कट गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जहाँ भी हम a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो साइन का हो चाहे कोस का, दो ही होता है, तो साइन a प्लस साइन b चाहे कोस a प्लस कोस b वाला चाहे माइनस वाला जो भी टर्म आपको दिया हो, जैसे साइन a माइनस साइन b दिया हो तो उसमें भी लगेगा, कोस a माइनस कोस b दिया रहता तो उसमें भी लगाते फॉर्मूला, तो वहाँ पर हमेशा देखते हैं कि एक टर्म a प्लस बी आता है और बाई 2, और एक जगह आता है हमारा a माइनस बी बाई 2। तो जब a प्लस बी यानी दो एंगल का सम आएगा तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 होता है,
तो जब दो एंगल का सम आएगा तो 180 माइनस तीसरे के बराबर होगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 आएगा। तो a प्लस बी दिया हुआ है तो उसके जगह पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि 180 माइनस सी, और बाई में 2, बाकी सब कुछ वैसे ही उतार दिए, 2 कैंसिल ही कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर साइन 180 डिग्री माइनस सी बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सी बाई 2 होगा, छूट गया है। तो 180 बाई 2 करेंगे अलग तो 90 हो जाएगा, और सी बाई 2 का सी बाई 2, तो साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो गया इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो गया। और इसके बाद नीचे जो आपका है साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2 जो कहते हो रहा है। अब आप ये फॉर्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, टेंथ में भी पढ़े हुए थे। तो कॉस सी बाई 2 इंटू में ये कॉस ए माइनस बी बाई 2, और बाई के नीचे साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो अब यहाँ पर ये जो कॉस सी बाई 2 और ये कॉस सी बाई 2 कट गया, तो कटा तो क्या बचा, ऊपर में कॉस ए माइनस बी बाई 2 और बटा के नीचे क्या बचा, साइन सी बाई 2। तो ये कॉस ए माइनस बी बाई 2 बाई साइन सी बाई 2, यही आपका आर एच एस था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही इसमें 4 नंबर दिया हुआ है, वो माइनस पर है, ए माइनस बी बाई सी। यहाँ पर जो प्लस आप किए थे यहाँ पर, तो इसके जगह माइनस साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा उसी तरीके से आगे बढ़ने पर जो दिया हुआ है जिसमें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी उसी को घुमा करके दिया है, आप बी माइनस सी बाई ए को लेकर के चलिए। तो बी माइनस सी बाई ए, और इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा तो बाई के नीचे जो आएगा ये वाला टर्म, तो ये एक साइड में आकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आपका मिल जाएगा। तो इसमें आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, बी माइनस सी बाई ए, तो उसका कुछ इस टाइप में मिलेगा एक्सप्रेशन। और जो मिलेगा तो वही बी माइनस, यहाँ पर नीचे में आएगा कोस ए बाई 2, तो वहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे कि बी माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2, तो ऊपर वाला टर्म आपका इस टाइप का बच जाएगा, साइन बी माइनस सी बाई 2 आ जाएगा आपका। तो ये 3, 4, 5 एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो हमने 3rd बना दिया, और इसी के आधार पर आपको 4 और 5 बनाना है। अब 6 नंबर में देखते हैं, 6 और 7 भी एक ही टाइप का है, तो 6 हम बना दे रहे हैं। 6 में कह रहा है कि a इंटू बी इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी, और इसका वैल्यू हमको दिखाना है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी साइड के बराबर, साइड के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी है, तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ साइड भी है और कुछ एंगल के टी रेशियो भी दिए गए हैं। और जो हमको आरएचएस में जाना है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर केवल साइड दिया हुआ है, यानी टी रेशियो के वैल्यू को हमको हटा देना है, वहाँ पर हमको केवल साइड लाना है। तो प्राइमरी आइडिया आपको ऐसे ही लगेगा क्वेश्चन देख करके कि कहाँ पर हमको साइड के जगह पर एंगल का यूज करना है और कहाँ पर एंगल के जगह साइड का यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग प्रूफिंग में पहले भी बात किए हुए थे कि प्रूफ जब भी किया जाता है तो उसमें हमेशा 2 जगह ध्यान रखना होता है, एक तो देखना है कि हमको क्या दिया गया है, और दूसरी बात कि हमको जाना कहाँ है, प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस दिया गया है उसमें साइड भी है और टी रेशियो भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी है, और जो प्रूफ करना है उसमें केवल साइड। तो जाहिर सी बात हो गई कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले टर्म को हमको एलिमिनेट कर देना है एनी हाउ, और एनी हाउ का मतलब कि छोड़ दिए लिखना, वो नहीं, उसमें आपको सूटेबल फार्मूला का यूज करके करना है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस सी है, और आप फार्मूला में कोसाइन फार्मूला में पढ़े हुए थे कि किसी भी एंगल के कॉस के वैल्यू को डायरेक्ट साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस सी है तो फार्मूला क्या होगा, साइक्लिक ऑर्डर वाला ध्यान होगा आपको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। उसी तरीके से सी इंटू कॉस बी के लिए हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ca। अब देखिए क्या होता है, ये b और ये b कैंसिल, यहाँ पर ये c और ये c कैंसिल, तो अब बच गया क्या, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a, और माइनस में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a। तो दोनों में 2a कॉमन है तो एलसीएम 2a ही होगा, सीधे इसको पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं,
ए यहाँ पर रहने दीजिए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये और ये कट गया, अब इसके बाद क्या है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल करके टू बी स्क्वायर, सी एस माइनस सी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर मिल करके माइनस टू सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है ए, तो ए को ज्यों का तो यूँ रख दीजिए, इन दोनों में ऊपर में टू कॉमन मिल रहा है, नीचे भी टू ए है, तो टू बाई टू ए कॉमन निकाल दिए, इन टू में यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच गया, तो ये टू से टू कैंसिल वन टाइम्स जाएगा, ए से ए कैंसिल वन टाइम्स जाएगा, तो बचा क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी देंगे, आर एच एस में आपको विदाउट ब्रैकेट ही दिया है तो हमने वही लिखा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर एच एस। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, उसमें भी केवल यहाँ साइड नहीं दिया गया है, तो उसमें भी कॉस को आप कन्वर्ट कर लीजिए साइड में, उसके बाद आप बनाइएगा, रिजल्ट इसी तरीके से मिल जाएगा। तो सेवन नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ इसके और प्रूफिंग वाले क्वेश्चन को और दो तीन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है उनको समझ लेंगे, तब हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला काम खत्म हो जाएगा। तो एक वीडियो में और हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन के लिए हिंट्स और कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे, वहाँ देखेंगे। चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, और वीडियो आपको अच्छा लगा बेनिफिशियल रहा तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इसका फ़ायदा लोग उठाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।